अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टिप्स विद इकरा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई रेसिपी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं इकरा, आप देख रहे हैं टिप्स विद इकरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे आपको सिखाने जा रही हूं हनी बी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट सी ये लगती है और बनाने में बहुत ईजी है। किड्स के लिए है ये स्पेशल। आज की मेरी वीडियो मैं किड्स के लिए लेके आई हूँ और ये हनी बनी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सर्कल्स वाला स्केल यूज़ करा है और इसमें डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स हुए हैं, लेकिन मैंने जो लार्ज साइज का सर्कल है उसको मैंने यूज़ किया है। उसको यूज़ करके मैंने सर्कल्स कट किए हैं। दो मैंने येलो कलर के, सॉरी तीन मैंने येलो कलर के जो सर्कल्स हैं वो कट किए हैं। और अगर आपके पास ये सर्कल वाला स्केल नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या राउंड शेप की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए। दो ब्लैक कलर के मैंने कट किए हैं सर्कल और एक हमें चाहिए वाइट कलर का सर्कल। हनी भी वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, लेकिन मैं जो क्यूट और ईजी वाली है आज मैं आपको वो सिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको एक और मेथड से भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने सर्कल्स लिए हैं कुछ, दो जो हैं मेरे पास वो थोड़े से बड़े हैं आइस के लिए, और इस ये दो वाइट हैं और उसके इसके थोड़े से छोटे यानी मीडियम साइज़ के मैं ब्लैक वाले लूँगी। ये आइस के लिए हैं, कट के हैं। दो मैं करूँगी, दो ही मेरे पास वाइट हैं। वाइट वाले थोड़े से छोटे हैं ब्लैक वाले से, और ब्लैक वाले मीडियम हैं और जो वाइट वाले हैं वो थोड़े से छोटे हैं, ठीक है? और छः सर्कल्स चाहिए हमें इसकी आइस रेडी करने के लिए। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसके जो कान हैं वो भी रेडी करके रखे हुए हैं। ये पहले से एक स्ट्रिप कट करी थी जिसको मैंने राउंड राउंड थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है ताकि रियल में इसके जो कान की शेप है वो हमें मिल सके, ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो वाइट वाला सर्कल है उसको मैं लेके यूँ फोल्ड कर दूँगी मिड में से। मिड में से आपने फोल्ड कर देना है अच्छे तरीके से प्रेस करके, देन मैं उसको सीजर के हेल्प से कट कर लूँगी। मिड में से कट करना है हमने और ये हमें इसके दो पर अवेलेबल हो जाएंगे इस तरीके से। सर्कल्स की शेप में मैंने आपको बनाना ये सिखाई हुई है क्योंकि सर्कल्स आप ड्रा करके इसको फिर इजीली बना सकते हैं इस हनी बी को, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक येलो एक ब्लैक, एक येलो और एक ब्लैक सर्कल लेके तो उनको इस तरीके से हमने पेस्ट कर देना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमने इनको पेस्ट कर देना है। एक येलो लेंगे, एक ब्लैक लेंगे, फिर एक येलो और फिर एक ब्लैक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का जो चार्ट पेपर है, जो सर्कल है हमारे पास वो लिया है। इसके हाफ हिस्से पे यानी उल्टी साइड पर हाफ हिस्से पे मैं गम स्टिक लगा दूंगी। आप चाहें तो कोई भी ग्लू यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ग्लू और इसके ऊपर मैं रख के, तो अब मैं इसको रख दूंगी येलो वाले सर्कल के ऊपर इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। आप इसी तरीके को फोल्ड करना है, ठीक है? और इसको मैं इस तरीके से रख के तो ऐसे प्रेस कर दूंगी, ठीक है? ये अभी हम बेस रेडी कर रहे हैं, हमारी जो हनी भी है उसकी अभी हम एक जो बेस है वो वाली रेडी कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर अब नेक्स्ट मैं येलो कलर का सर्कल ले रही हूँ। अब येलो कलर के सर्कल को भी हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए चिपका देंगे साथ में। और इस तरीके से मैंने जो येलो वाला है चार्ट पेपर जो सर्कल उसको भी मैंने इस तरीके से साथ में पेस्ट कर दिया है और ये आप देख सकते हैं इसकी बेस बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो तीन सर्कल्स थे वो मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने करना है जो ब्लैक वाला सर्कल है उसको अब इसके ऊपर रख के तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले हमने इसको पेस्ट करने से पहले जो ब्लैक कलर का है ना उसको पेस्ट करने से पहले हमने इसके पर को इस तरीके से उसके पीछे रख के तो चिपका देना है इस तरीके से, ठीक है? यानी कि इसके जो पर बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे और येलो वाला फिर हम इस तरीके से रख के तो साथ में पेस्ट कर देंगे। तो ये एक बेस रेडी हो जाएगी हमारी हनी बी की। तो सबसे पहले हम इसके जो पर हैं, जैसे मैंने
इनको सेट किया है, यहीं पे मैं इनको पेस्ट कर दूंगी। सबसे पहले हम लगा देंगे यहाँ पे गम स्टिक, और गम स्टिक लगाने के बाद इसको जो पर है हमारा इसको मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगी, और दूसरा पर भी मैं इसी तरीके से फॉलो करते हुए इसी मेथड को, तो मैं इसको भी साथ में चिपका दूंगी। थोड़े से हिस्से पे गम स्टिक लगा देंगे और इनको भी साथ में इस तरीके से अटैच कर देंगे, और ये हमारे जो पर हैं उसके वो भी रेडी हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं ये, इस तरीके को फॉलो करके ये हनी भी बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। अब नेक्स्ट जो ब्लैक कलर का सर्कल है उसके भी हाफ हिस्से पे मैं लगा दूँगी गम स्टिक, और उसको अब मैं इसके ऊपर जो हमारे बेस है उस पर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे तीन सर्कल्स के बाद हमने इसके पर अटैच करने हैं, और उसके बाद बाकी के दो हमने लास्ट पे चिपकाने हैं। जो हमारे पास लास्ट वाला था येलो वाला, उसको मैं अब चिपका रही हूँ। ठीक है, ये हमारा फेस होगा, जो हमारी हनी भी है ना, ये उसका हम फेस रेडी करेंगे इससे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये भी इस तरीके से मैंने चिपका दिया है, पेस्ट कर दिया है, और हमारी हनी बी का ये एक बेस जो है हमारी हनी बी की वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, बहुत क्यूट लगेगी ये बनी हुई, बहुत अच्छी लगती है। जितनी भी हनी बी है उनमें से सबसे क्यूट जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है वो यही वाला है। अब यहाँ पर मैं इसके जो कान है वो पेस्ट करने लगी हूँ, थोड़े से हिस्से पे गम स्टिक लगा देंगे और इसको यूँ इस तरीके से साथ में पेस्ट कर देंगे। पेस्टिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, तभी आपकी जो आपका जो आप बना रहे हैं जो चीज़ वो बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों कान भी इसके साथ में चिपका दिए हैं, और यहाँ पे अब हम रेडी करने जा रहे हैं इसकी आइज़। तो आइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो बड़े सर्कल्स थे वाइट कलर के, दो मैंने ड्रा करके रखे हुए थे, कट करके रखे हुए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए, उनको पहले इस तरीके से चिपका देंगे हम साथ में, दोनों को चिपका देंगे हम अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब हम इसका फेस रेडी कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स को मैं चिपका दिया है। अब हमने जो मीडियम साइज़ के ब्लैक कलर के सर्कल्स कट करके रखे हुए थे उन पे भी इस तरीके से गम स्टिक लगा देंगे, और उनको भी हम इसी तरीके से साथ में अटैच कर देंगे वाइट वाले के ऊपर रखकर इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने इसकी जो आईज़ हैं वो रेडी कर दी हैं। अब इनके अंदर हम वाइट वाले भी दो जो हैं वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, वाइट वाले दो जो मेरे पास थे वो साथ अब इसके मिड में वो हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो ये जो छोटे वाइट वाले सर्कल हैं बेशक इनको ना भी आप साथ में पेस्ट करिए, इसके बगैर भी आईज़ अच्छी लगेंगी, लेकिन मैंने इसको पेस्ट करें क्योंकि इसकी आईज़ कुछ इसी टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे इसकी आईज़ भी हो चुके हैं रेडी, और ये आप देख सकते हैं हमारी हनी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। और लास्ट में अब हम इसका जो टेल है वो साथ में अटैच करेंगे इस तरीके से। मैंने एक तो कोन शेप में कट किए थी एक चार्ट पेपर ब्लैक कलर का, तो उसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया था, और अब मैं ऐसे उसके जो एजेस हैं यानी कि जो किनारा है उस पर थोड़ी सी गम स्टिक लगा के तो उसको साथ में इस तरीके से अटैच कर दूंगी। और आप देख सकते हैं हमारी हनी भी कितनी प्यारी लगती है। लास्ट पे एक चीज़ हमारी रह गई है, वो है इसकी स्माइल। और इसकी स्माइल बनाने के लिए मैंने रेड फॉमिक ग्लिटर फॉमिक शीट का यूज़ किया है, और उसकी मैंने एक स्माइल इसकी कट की है, और वो मैं साथ में इस तरीके से पेस्ट कर दूँगी। और ये आप देख सकते हैं जो हमारी हनी भी है वो बन के रेडी हो गई है, बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही क्यूट सी है ये। और जितने भी हनी भी के पैटर्न हैं डिज़ाइन हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्यारा तो मुझे यही लगा, सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे यही लगा, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको ये घर पे बनाना सिखाऊँ, किड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो इस वीडियो को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिए कि मेरी आज की वीडियो आपकी कैसी लगी। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिएगा मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।